अस्सलाम गाइस, कैसे आप सब यार। बचपन है ना, बड़ा हमने पान खाए और पान खा के हाथ मुंह बड़े लाल किए, और पान खाने के बाद जब अम्मी देख लेती थी तो हमें लाल पीला कर देती थी। तो भाई बचपन के शौक आज वापस जगाने आया हूँ मैं। आज पानवाड़ी पर आया हूँ और यहाँ का पान बड़ा मशहूर होता था, तो मैंने कहा चलते हैं खाते हैं कि क्या सीन है, और ख़ास करके आग वाला पान। तो चलते हैं, वही आग वाला पान बनवाते हैं और देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। तो लेट्स गो। अंकल के पास काफ़ी वैरायटी के पान है, और ये जो पान मैं बनवा रहा हूँ ये फायर पान है, इसकी जो प्राइस है वो 200 है। अच्छा, अंकल के पास पूरा मेन्यू है, पान की काफ़ी वैरायटी है, जैसे स्मोक पान हो गया, चॉकलेट पान हो गया, मावा पान हो गया, स्ट्रॉबेरी पान हो गया। तो भाई बहुत डिफरेंट पान है अंकल के पास, और हर पान की अलग अलग प्राइजेस हैं। अच्छा, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। अंकल को मना कर दोगे तो अंकल वो चीज़ें नहीं डालेंगे, जो पसंद है वो अंकल को बताओ, अंकल वो डाल देंगे। अच्छा, सिर्फ अंकल के पास पान का ही गेम नहीं है भाई, अंकल के पास सिगरेट्स का भी भाई सीन ऑन है। अंकल के पास हर वैरायटी के सिगरेट्स हैं, और भाई अंकल के पास सिगार भी बहुत वैरायटी के हैं। तो भाई पूरा सीन ऑन है अंकल करके बैठे हुए, पूरा बार बनाया हुआ, जाओ और देखो। अच्छा, शॉप को तो खुलेगा 6 साल है, 6 साल हो गए, और इससे पहले जो ये काम हमें हमारा जो है वो 1981 से है, तकरीबन 45 साल हो गए। और इस काम को लेकर हमने थोड़ा सा, आपने देखा होगा कि आपने कुछ चेंज किया है, कोशिश की है इसको अपग्रेड करने की, खूबसूरत बनाने की, खूबसूरत स्टाइल में काम करने की। तो इसे हमने आपके सामने है कि पान को थोड़ा सा हमने अपग्रेड करके 4 चांद लगा दिए, ठीक है। और इस शॉप की स्पेशलिटी है, इस पान की स्पेशलिटी है, हमारा सबसे मतलब वन ऑफ द टॉप एक पान है, गोल्ड पान, रॉयल गोल्ड पान, 24 कैरेट गोल्ड का ई डबल पेपर लगता है उसमें, ठीक है। वो रनिंग में हमारे पास हमारा फायर पान है, फायर एंड आइस पान है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मीठा स्पेशल है और डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। कोशिश की कि थोड़ा साफ़ सुथरा और अच्छा काम किया जाए, और शॉप हमारी जो है वो ठंडी सड़क डिपेंड ठंडी सड़क रानीबाग रोड पर है, हैदराबाद में। तो बोलिए, आपको इंटरेस्ट कब से है? सर ये इंटरेस्ट तो नहीं कहेंगे, ये हम बेसिकली हमारा काम जो है ना वो आबाई काम है पान का, पर इसे बढ़ाने का, इसे थोड़ा सा जदीद करने का जो इंटरेस्ट पैदा हुआ वो आज से 4 से 5 साल पहले हुआ था। इससे पहले 6 नंबर में शॉप थी, उससे पहले चांदनी पर सदर चांदनी में शॉप थी, जो कि हमने तकरीबन 43 साल चलाई है जी। 6 नंबर में कैसा था? 6 नंबर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, हाँ वो शो उस अब सदर में उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। फिर हमने स्विच कर दिया ना, शिफ्ट कर लिया इधर, मतलब वहाँ से शिफ्ट करके हम लोग इधर आ गए। ठीक है, ठीक। तो अंकल यहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अलहमदिल्ला बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो अंकल सबसे अगर कोई पान खाना चाहे मीठा तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? सर मैं कहूँगा कि हमारा एक मरतबा स्पेशल मीठा पान जो ट्राई करेगा इंशाल्लाह वो दोबारा खुद आ जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग की टाइमिंग? दोपहर में 2 बजे ऑन होती है और रात को 3-3:30 बजे ऑफ होती है। क्लोज एड्रेस? थोड़ा एड्रेस है जी, हैदराबाद ठंडी सड़क, डिफेंस की एक बड़ी मशहूर सड़क है ठंडी सड़क, ठीक है। उस पर बिल्कुल मिड में आकर पानवादी है, एवन स्नैक्स हमारे बराबर में, एवन स्नैक्स है, और राइट साइड पे जो है चटनी एंड को। कौन सी फिल्म देखी थी? बस देख ली। यार पान बहुत अच्छा था, और फायर वाला पान लिया था मैंने, और उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हुई थी, खास करके भाई बर्फ़ डाली हुई थी कुचल के, और फिर जो उसमें आग लगा के पान उन्होंने मुझे मेरे मुंह में दिया है, नहीं पूछो भाई, मुंह में ऐसी ठंडक। अच्छा जब तक चबाओ नहीं ना तो एक गोला टाइप जैसे नहीं होता, जैसे भाप वाला होता भाई, बहुत तेज़ मिर्चें वाला ऐसा लगता है, मिर्चें लगने लगी, मिर्चें नहीं लग रही होती,
वो आग के और बर्फ़ की एक साथ मिक्स होकर पता नहीं क्या हो जाता है मुँह में, जब तक चबाओ नहीं ना, जैसे ही पान लो तो उसको चबाना शुरू कर दो ताकि, और उसकी ठंडक ऐसी तेज़ हो जाती है कि पूछो नहीं। वो पान बड़ा तफरी था भाई, एंड था। अभी होंठ वापस लाल हो गए, अब घर जाके पता चलेगा कि क्या लाल होगा, और क्योंकि अम्मा ने मेरी देखा नहीं अभी तक, और अम्मा ये वीडियो आप देखिएगा तो थोड़ा हौसला कर रखिएगा, और मेरी अम्मा को अगर पता चल गया मैंने पान खाया है तो अभी घर जाके पता चलेगा कि और मेरा क्या होगा हाल। तो भाई ये था। अच्छा अंकल ने बता दिया कि है काम, और भी बहुत सी पान की वैरायटी है अंकल के पास, तो देखो आओ खाओ, और जिसको पान का शौक़ है तो भाई उसके लिए तो ये मरकज़ है पान, तो आ जाओ और चख के देखो। और ऑनेस्ट रिव्यू यही है कि पान अच्छा था, और अंकल बहुत ही जॉली थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे अंकल। अंकल ने बहुत अच्छे से बात की, तफरी आई अंकल से बल्कि बात करके, और अंकल का अगर नंबर मैंने फैला दिया तो अंकल कहेंगे ये क्या किया बेटा, तो इस वजह से नंबर नहीं फैलाना अंकल का। तो ये सीन था, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।